पीसीबी अवार्ड्स की साल 2021 की सबसे मुतासर कुन कारकर्दगी का अवार्ड शाहीन अफरीदी ने जीत लिया है। मोहम्मद रिजवान साल के सबसे कीमती क्रिकेटर का अवार्ड जीत गए। हसन अली टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। मजीद जानेंगे बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताएगा मजीद किन किन खिलाड़ियों के अवार्ड दिए गए हैं? बिल्कुल, जो साल 2021 में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी थे उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अवार्ड्स रखे थे, जिनमें अलग अलग जो है वो नामजदगियां की गई थी खिलाड़ियों की। और वनडे इंटरनेशनल में जो क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो बाबर आजम ने जीते। उन्होंने 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेज में 405 रन जो है वो बनाए थे। इसके अलावा जो इमर्जिंग का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो मोहम्मद वसीम जूनियर ने अपने नाम किया है। इसके अलावा जो साल 2021 की सबसे मुतासर कुन कारकर्दगी थी उसका अवार्ड शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया है। इसके अलावा जो टेस्ट के बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो हसन अली को गया, जबकि वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो निदा डार करार पाई है। निदा डार ने 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 363 रन और 6 विकेटें हासिल की थी, जबकि उन्होंने 6 T20 इंटरनेशनल मैचेज में 95 रन बनाने के साथ साथ 7 विकेटें जो है वो हासिल की थी। इसी तरह जो जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो मोहम्मद वसीम करार पाए, और तमाम दर खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ा अच्छा इकदाम किया है और खिलाड़ी जो है वो इससे मजीद बूस्टअप हुआ है और आइंदा जो आने वाला साल है उसमें भी वो बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।